बोगनवेलिया। दोस्तों अगर आप घर में बोगनवेलिया लगाते हो, आज की वीडियो में आपको फुल वीडियो बताऊंगा बोगनवेलिया के ऊपर, कटिंग के फर्स्ट डे से लेके फ्लावरिंग तक कितना टाइम लगता है। सबसे पहले तो आप देख सकते हो, मैंने आज फरवरी की जो है 26 है, तो मैंने आज 26 को इसकी प्रूनिंग की है। तो ठीक है जी, देख सकते हो आप 26 को इसकी प्रूनिंग की है मैंने। 20 को की थी, 5 दिन पहले इसकी प्रूनिंग की थी मैंने। तो मैं आपको डे बाई डे का इसका रिजल्ट बताता रहूँगा। अब मैं आपको 5 दिन बाद इसका रिजल्ट बताऊँगा कैसे कुछ निकल कर आया है या नहीं। 5 दिन के बाद का आप रिजल्ट देख सकते हो, आफ्टर 5 डेज। इस प्लांट के ऊपर जो ग्रोथ अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, और इसके ऊपर आप ग्रोथ देख सकते हो कितनी बढ़िया आ रही है। बात करूं अपने फोर्थ बोगनवेलिया प्लांट की, उसके ऊपर भी धीरे धीरे आप देख सकते हो ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। ये भी आप मेरा प्लांट देख सकते हो, इसको भी 5 दिन पहले किया था, आज 5 दिन के बाद देखेंगे इसके ऊपर क्या ग्रोथ आई है निकल कर कटिंग करने से, और इसके इसको खाद देने से क्या इसमें फर्क आप दिखा है। 1 महीने के बाद का रिजल्ट देख सकते हो मेरे प्लांट्स की ग्रोथ कितनी बड़ी हुई है, और इसमें फ्लावरिंग आनी स्टार्ट हो गई है। ये देख सकते हो आप, ये जो प्लांट है मेरा, इसमें फ्लावरिंग आनी स्टार्ट हो गई है। दोस्तों जैसे मैंने आपको फर्टिलाइज़र देना सिखाया, आपने हर 15 दिन में एक बार 10 से 15 दाने पॉट के हिसाब से, अगर आपका पॉट 15 से 10-15 इंच का है तो आपने उसमें 10-15 दाने DAP के ज़रूर डालने हैं। उससे आपकी बोगनवेलिया भर के फ्लावरिंग देगी। और पानी आपने कम देना है, जब ऊपरली मिट्टी अच्छी तरह सूख जाए तब ही इसको पानी देना है। अपने बोगनवेलिया को हमेशा उतना पानी देना है जितना आपका प्लांट मरने से बच जाए। ज़्यादा ओवर वाटरिंग करोगे तो इसके ऊपर जैसे अभी पत्ते आ रहे हैं तो उस जैसे पत्ते ही आएंगे। ये देख सकते हो इसमें भी फ्लावरिंग आनी स्टार्ट हो गई है, ये पर्पल कलर के फ्लावर है, ये देख सकते हो। तो दोस्तों इसके बाद ये देख सकते हो आप, ये वाली बोगनवेलिया, इसमें भी फ्लावरिंग आनी स्टार्ट हो गई है। पानी आपने रोकना है, अगर पानी ज़्यादा दोगे तो आपके प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं होगी, बस पत्तों की ग्रोथ होगी। ये देख सकते हो 1 महीने के बाद मेरे प्लांट्स के ऊपर फ्लावरिंग आनी शुरू हुई है, जब मैंने इसकी प्रूनिंग की थी। 1-2 प्लांट की हार्ड प्रूनिंग की थी, आपने हार्ड प्रूनिंग इस टाइम में नहीं करनी है। तो बस आप ध्यान इस बात का रखना है, पानी बोगनवेलिया को कम दो, और इसमें हर 15 दिन में एक बार DAP के दाने जरूर डालो, उससे आपका जो होता है भर के फ्लावरिंग देती है ये। और इस टाइम देख सकते हो आप, ये 1 महीने का रिज़ल्ट है मेरा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और एक बात आपसे शेयर करता हूँ दोस्तों, ये मैंने जो कृष्णा वेल होती है, राखी बेल भी बोला जाता है, उसको लगाया है, देख सकते हो इसमें भी पर्पल कलर के फ्लावर होते हैं। ये तुलसी के प्लांट है, श्यामा तुलसी, रामा तुलसी, छोटा क्रोटन है, जितने प्लांट मैंने शेडी यहाँ रखे हुए हैं ये मैंने अभी लगाए हैं। इसका ये देखो एरो हेड, जिसे हम संगोनियम बोलते हैं, ये एक बॉन्साई रेडी कर रहा हूँ मैं, ये देख सकते हो आप, मैमे बॉन्साई है ये। और ये वाली ये पीपल की बॉन्साई है, जिसे हम पीपल बोलते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ।